मैडम इस लालच में आगे वेट लॉस हो जाएगा और यहाँ पहुँच गए सूख जाएंगे तो इनको जलाने के लिए ले जाते हैं और इनको हमारे लोकल में बोलते हैं। सड़क में क्रिकेट खेलने का एक नहीं है मैं भाई की लाई बेइज्जती होनी होना बस की कल ना किसमिस है किसमिस नहीं ये मिले भी जाते कुछ मेरे को भी यहाँ लाइव ना बड़े बड़े मतलब कारीगर फेल हो जाते हैं मक्की की रोटी बनाने में। हमीरपुर के गद्दी हैं भाई है ना। शाम के दोस्तों 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं पहुंचा हूं अभी हमीरपुर बाजार में। और यहां पे क्यों आया था वो अगर आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होगा, नहीं तो लास्ट ब्लॉग में दोस्तों मैं आया था हमीरपुर में, राम यात्रा या अक्षित कलश यात्रा थी उसको अटेंड करने के लिए। तो यहीं से अब फ्री हो चुके हैं, अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर उसको चेकआउट करें भाई। और लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, और फेसबुक पर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ भाई राधा को लेने के लिए, राधा के ऑफिस में भी छुट्टी का टाइम हो चुका है तो घर जाते जाते दो काम हो जाएंगे भाई, राधा को भी साथ ले चलते हैं। और आजकल मैंने सुना है कि अणु वाला रोड जो है उसकी मुरम्मत चल रही है तो सारी बसें सारे ट्रैफिक जो है पक्का ब्रो होके जा रही है आजकल, मतलब अणु वाली साइड के लिए भी। तो हम जा रहे हैं भाई पक्का रोड से होते हुए अणु वाली साइड को। क्यों उतरी आना है तो भाई मैडम ना बोला भाई तेल ज्यादा लग गया ना बोले ना तो पैदल ही आ गई। तो हीरानगर पहुंच गई है मैडम, कहाँ से ककरू से पैदल आके। वाह वेट लॉस हुआ, कितना लॉस हो गया मैडम इस लालच में आगे वेट लॉस हो जाएगा और यहाँ पहुँच गए हैं। देखो हीरानगर का बोर्ड लगा हुआ है ये, और यहाँ पे कुछ आर्मी वालों का है कि पता नहीं किसका ऑफिस है ऊपर की साइड में। तो अभी हम यहाँ से डांग वाली होते ही उतर जाएंगे नीचे मार्केट की तरफ पे और निकल जाएंगे सीधे घर पे। मार्केट में ज़्यादा काम तो आज है नहीं, है कोई काम मैडम जी? 1 eternity later सुबह से दोस्तों शाम हो गई है, शाम के अभी जो है कितने 5:15 बजे का टाइम हो रहा है और सामने की तरफ हुआ है सनसेट। मैं आया था यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, अगर आप मेरे कंटिन्यू ब्लॉग देखते हो तो आजकल बच्चों ने शुरू किया है क्रिकेट खेलना सड़क पर। यहाँ पे अभी तक बच्चे आए नहीं, उनका ही वेट हो रहा है और ग्राउंड की कमी पाई गई। ग्राउंड ऐसा है कि खेत जो है बीज दिए गए हों तो खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है अपने पास। ये सड़क किनारे दोस्तों पाथियाँ रखी हुई हैं, गोबर की बनती हैं ये, मतलब गोबर को एक शेप में जो है ऐसे चिपका दिया है सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगी तो इनको जलाने के लिए ले जाते हैं और इनको हमारे लोकल में बोलते हैं गोटू, और वैसे जो ऑलराउंडर नेम मिलेगा वो मिलेगा पाथियाँ। और अपनी गैंग आ चुकी है टीम, अंशु, सौरभ, नैतिक और कौन तो मैंने इसमें डाल दी मूँगफली। दे दे भाई मूँगफली दे दे मेरे को भी। तो भाई अपनी लॉटरी लग चुकी है तो अभी थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे भाई और फिर जाएंगे गद्दी लोगों के पास। गद्दी लोग जो है वो डेरे में आ चुके हैं, फ़ोन पे बात हुई थी तो आज जो है हाँ मतलब 22 दिसंबर है तो आज सबसे छोटा दिन है, सबसे लंबी रात होगी। लेकिन अभी शाम का जो डिनर बन रहा है ना भाई तो उसमें आज हमने अपनी तरफ से पनीर मंगवा दिया है, मटर। तो गद्दी लोगों को आज पनीर और मटर पनीर की सब्ज़ी खिलाएँगे अपनी तरफ से, ऐसे मेहमान आए हैं तो चलो थोड़ी बहुत सेवा करवा देंगे हम भी। और आसपास का जो नज़ारा है शाम के टाइम का कुछ ऐसा जैसा है, तो थोड़ी देर यहाँ पे लेते हैं क्रिकेट का आनंद फिर चलते हैं भाई लोगों के साथ में। आपने भी जाना भाई लोगों की नहीं जाना? तो कल भी सारे भाई लोग गए थे गद्दी लोगों के डेरे में, तो आज भी देखते हैं कौन कौन चलता है हमारे साथ में। सड़क में क्रिकेट खेलने का एक नहीं है मैं भाई की, बॉल अगर छूट गई ना आपसे तो आउट है, हमारे पास विकेट नहीं होती है और बाकी कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी आप शॉट लगाओ। वन हैंड का कैच जो है वो भी आउट माना जाएगा। और पहाड़ों के बच्चे ऐसे होते हैं भाई, एकदम से देख लो कहाँ से कूदा और कहाँ से अब बॉल लेके ऊपर पहुँच जाएगा भाई लोग। चलो चलो खोलो खेलो, आउट आ आउट आ। तो भाई बॉल छूटी और आउट। दोस्तों मैच खेलते खेलते ना एक क्या बोल सकते हैं, अजीब घटना नहीं, दयनीय स्थिति में रोते हुए हमारे शुभम शर्मा। तो भाई जो पनीर हमने मंगवाया था वो शुभम छोड़ने के लिए आया था, लेकिन अभी यहाँ पे इसने जीना आराम करे, 6 बार आउट हो चुका है। भाई अगर आपके पास है ना मोदी जी के पास ये वीडियो जानी चाहिए, भाई 6 बार आउट हो चुके हैं, फिर भी बनी मार रहे हैं। सोनू इस कोशिश में लगा भाई कि बॉल गुम करनी है और फिर जाना, मैंने 6 बार आउट कर दिया इनको, लेकिन ये बंदा नहीं हार मानने वाला, बैट दे ही नहीं रहा किसी को भी, बोल रहा मैंने खेलना। एक बॉल करते करते 3 ओवर हो गए। और अपने साथ आ चुके हैं शुभू भाई, और तेरे क्या नाम है? आर्यन। देखो आपके सामने चल करा रहा हूं फटाफट एक बॉल, लाइव बेइज्जती होनी हूं बस, अनी नेड़े यही चल दे बैठा हूं। देखो अभी भी बंदा बोल रहा लास्ट बॉल, तो एंजॉयमेंट भाई चला हुआ है। तो गाइस ये बड़े फट्टू लोग हैं, इनसे कुछ होता तो नहीं है क्या? आइए कल जिसका बोलना है कल की कल ना किसमिस है, क्रिसमिस नहीं किसमिस। दोस्तों मतलब इनसे गलबात चल रही है, ठीक है ना? बोले सौरभ बोला भाई कल छुट्टी करनी मैं भाई, आए पूछे पे कजो है ना, बोले बोले कल किसमिस क्रिसमिस नहीं किसमिस। सौरभ जी तो कैसे मनाएंगे आप किसमिस, बताएं जरा। हमने मनाएंगे गाइस, हम अपनी दाढ़ी चीटी चीटी कर लेंगे, उसके ऊपर लाल टॉप लगाएंगे जो। चलो ना, तो हम जा रहे हैं भाई अब गद्दी लोगों के पास, चलना कुछ मैं शॉर्ट्स क्रिएट कर देता हूं गाइस। चलो तो सारे यहाँ पे सारे क्रिएटर हैं भाई, इसका भी चैनल है, उसका भी चैनल है, उसका भी चैनल है, सबका चैनल है भाई। उस बंदे इन भाई की बॉल थी, इन्होंने वाइड बॉल करवाई और अब बॉल नहीं मिल रही है, कल ही ढूंढने बॉल। हाँ बॉल भाई अपनी बारी तो आई नहीं, मेरी तो बैटिंग ही नहीं आई, बॉल गुम हो गई। सोनू रो पिट के चला गया भाई, मतलब वो आया था बॉल गुम करने के लिए, सच में गम मतलब 6 बार बंद करके मतलब गुम करके चला गया। अभी जा रहे हैं भाई गद्दी ढेर के तरफ। तो भाई उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे गद्दी लोगों का डेरा है, और डॉग्स यहाँ पे भौंक रहे हैं, लेकिन ये आते नहीं है इस तरफ ऐसे। तो अभी तो भेड़ बकरियाँ जो इकट्ठी की जा रही हैं, और कुछ भाई गए हैं लकड़ी लुकड़ी लेने के लिए, बाकी आगे का प्रोसेस आपको धीरे धीरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। शाम को क्या ही बनता है, धीरे धीरे अब जो है अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी मेरे साथ आए हैं कौन कौन है भाई, अंशु आई है, सौरभ, श्रीकांत और नेहा भाई आया आज अपने साथ, सुबू। हेलो सुबू डॉन, सुबू भाई। भाई हम यहाँ पे मेन जो आग से नहीं आते हैं, तो आग यहाँ पे जल चुकी है भाई आने से पहले ही, और बाकी भाई लोग चले गए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। भाई एक छोटी सी कुल्हाड़ी के साथ ना देखो कितना मतलब ये हार्ड होते हैं, ये सूखे हुए पेड़ हैं, तो ये भी काट के ये अलग कर देंगे। इस तरफ से दिखाता हूँ, ये नीचे से काट के लाए हैं, अभी बस काटने का टैलेंट चाहिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़ी कुल्हाड़ी चाहिए। तेरे सुब्बू तेरे इतने से फर्क नहीं लगा मुझे, आओ ए मेरा सागा बिछड़ुआ मैं ले पाऊंगा, बड़ क्यों डरो ए पुक्कू लाना है, पुक्कू इसके मुंह में चोट, अरे का आया तगड़ा जखा बकरी बकरी ए भाई ए दिखा ना भाई ये। तो भाई यूनिक सी आवाजें करके ना ये अपने माल को वापस बुलाते हैं भाई लोग, और चाचा एक बार बजाए ना उसने वाला यहाँ बजाने की नहीं था ये। हाँ तो भाई मूंग की करामात है, थोड़ी सी पन्नी ली है चाचा जी ने, उसको लगा के उससे ये अपने भेड़ बकरियों को वापस बुला रहे हैं देर की तरफ। इतनी तेज तेज आवाजें जो है सिर्फ एक पन्नी के टुकड़े से निकाल रहे। और अपने अनु भाई आ चुके हैं, शाम के टाइम में फिर से आज नमक वाली चाय चलेगी। बकरी से बच्चा हमारे मिले भी जाते कुछ मेरे को भी लाइव बिल्कुल आगे पूरा तैयार बकरिया मैं मुँह खड़ी है, पर मेरे लत्ता पीड़ से मैंने पत्थर ना पिछड़ा था ना, मैं दूजे बंदे अखबाई से बंदा डेरे से आया था गया थोड़ी लग गया, फिर भी मैं सोहल मेरा कोई पर कुत्ते पे मेरा कोई या कुत्ते दियाने हां सुन की कुत्ती ठीक थी हां पे गया से बड़ी ऊपर ले जी दुराई ने सिन छड़ दी बड़ी दूर ले जी ने पे ये भी जानते हो नहीं ना से दाढ़ी थी सीधे हाल थी कसी भी ये रहा दिया पाई गई पूरे ये कुत्ते मतलब दो दो करौंदा छुड़वाई लेंदे वे यहां फाइट होई नहीं ठीक है वो तो कैसे आ बोलने से बड़ी बतेरी थी से हां सिन छड़ दी थी दे ने मेरे गने फाइट हुई ओ यार मुझे खमाज रहे हां हां तो उठी रही मर ले रही ना फिर ठीक 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 उठी वाली तो रात के खाने की हो रही भाई यहां पे तैयारी पनीर वगैरह का टुकड़ा मसाले वगैरह जो तैयार किए जा रहे हैं भाई लोगों के और बातचीतें चली हुई हैं आग जली हुई है खुले आसमान के नीचे भाई लोग बैठे हुए हैं देसी स्टाइल का तड़का है भाई 5 स्टार होटल फेल है मतलब इस रोटी के आगे बाकी आपको आगे आगे प्रोसेस में दिखाते चलेंगे देखो कैसे इन्होंने लाल मिर्चें रखी हुई कोई पाउडर पाउडर नहीं सब देसी मसाले पूरे पोटली बना के रखी हुई है इन्होंने हर मसाले की मिर्च तेज खाएगी नॉर्मली नॉर्मल जी यही ना मटर है तो अपने पास सफल मटर थे भाई इनको थोड़ा सा उबाल लेंगे साइड में पहले सफल मटर के पैकेट के और उसके बाद जो है पनीर अलग से बनेगा बाकी देखते हैं भाई कैसे कैसे बनाते हैं अपना खाना तो वही रात के जो है अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और अपने साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं शख्स है अपने गौरव भाई बड़े दिनों बाद गौरव भाई अपनी वीडियो में आ रहे हैं तो मेरे को ना ए भाई देखो वाला तो मैं थोड़ा घर में था भाई को लगे यहाँ पे 8 टांके लगे हैं भाई मतलब काम कर रहे थे मतलब जो अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो कुल्हाड़ी से भाई का हाथ कट गया था तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो भाई अभी रेस्ट पे ही हैं तो भाई का फ़ोन आया कि कहाँ पे बैठे हो तो हमने बोला कि भाई गद्दी लोगों के साथ हम मज़े में बातचीत चल रही है अपने खाना वगैरह तैयार हो रहा है अभी रोटियाँ बनाने की तैयारी हो रही है और पनीर कुछ इस तरह का बन चुका है तो भाई भी आ गए और सभी इन्जॉयमेंट चला हुआ है अभी थोड़ी देर और बैठेंगे फिर निकलेंगे खाना खुना खा के घर की तरफ हम तो मतलब ऐसे टेस्ट ही करेंगे खाना हमारा घर पे बना हुआ है लेकिन ऐसे बातें करते हुए काफ़ी इन्जॉयमेंट हो रहा है भाई चाचा ने डाल दी कुकर में दाल नहीं मटर पनीर चावल डाला है चावल लगे बनने भी जाते हैं कुछ थोड़े चावल बना कुछ रोटी बनी मिक्स ठीक 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 तो मिक्स बन रहा है भाई चावल और चपाती बननी है बड़का की छल्ली की रोटी बनेगी भाई मक्की की रोटी बनेगी और एक बात मैं बताना चाहता हूँ भाई कि मतलब ना बड़े बड़े मतलब कारीगर फेल हो जाते हैं मक्की की रोटी बनाने में मतलब लेडीज़ भी बनाती हैं वैसे तो सभी खाना बनाते हैं लेकिन मक्की की रोटी स्पेशली डिश है भाई ना बड़े बड़े बंदे फेल हो जाते भाई छलियाँ रोटी नहीं बनती है ना औरतें भी मतलब कई ऐसे होंगे भाई नहीं औरतें नहीं बना सकती हैं नहीं 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 हमारी मम्मी थी दादी थी वो बनाती थी चलो पुराने बनाने पड़ेगा पर वही नौहे च बड़े बंदे मतलब लेडीज थी मैं किसी को हिट नहीं दे रहा भाई लेकिन ऐसा ऐसा और छोटा भाई आ चुका है अभी बैठ आइया तो धीरे धीरे मेला बढ़ता जा रहा है भाई ये गद्दी भाई अभी आ गया है इधर अनु भाई बैठा है गौरव भाई बैठे हुए हैं और हमें तो आपने देख ही लिया और यहाँ पे बन रही है मक्की की रोटी भाई 5 स्टार होटल में ये बेडू जो है ना भाई सबको पसंद आ रहा है कल इसके साथ साहिल भाई मतलब मस्ती मार रहे थे आज गौरव भाई सौदा करने की कोशिश पूरी है कि इसको मतलब खरीदा जाए लेकिन गद्दी भाई बोलते कि हमने अपने लिए नस्ल के लिए रखी हुई चीज़ है तो अगली बार इसके बच्चे जो हैं वो आपको मतलब दे देंगे हम और ये डील होगी वे अगले साल बच्चा देना ये जुबान होगी वीडियो में जुबान होगी भाई और अभी ये कितना प्यारा है देखो हेलो करो ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं मना कर ये सारे जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे भाई आग के पास आने की कोशिश करते हैं ठंड में ना गद्दी डेरे में ना भाई हैं हमीरपुर के गद्दी हैं भाई ना और भाई क्या और हम आपको इतनी बड़ी बंसुरी बजाएंगे जितनी की याद रखना और भाई के पास ना आदमी हूं मैं ऐसा नहीं है भाई के पास ना एक टैलेंट है भाई टैलेंट आपको ये बता देता हूं बंसुरी बजाते हैं बस भी लाऊंगा फोटो भी लाऊंगा हम क्या थे गोल्ड मेडल थे क्या थे नहीं तो बढ़ गया संडे पक्का भी इतना आंधी तूफान पड़ रहे हैं हम इतना बढ़िया व्यवहार आपका संडे पक्का पर मोस्ट वेलकम ठीक है तो संडे के दिन जो है भाई हमें बांसुरी बजा के सुनाएंगे। मेरे को भी बड़ा शौक है भाई बांसुरी। तो एक की सुनाई दे बड़ा भारी पड़ गया एक गाना भैया काला ककरा सहने तो बन पानी है चलू की जेड़ा मर्जी है बढ़िया बढ़िया चीज सुनानी है अपना हुंदा है ऊंची रेड़िया पत्थरू चमके खड़ा चमके पानी। वाह जी वाह 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 खूब मजा आने वाला भाई। वो ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे। गीत अमर कर दो कभी सुनना आप ड्राइवर भाई। तो भाई ये सारे गाने आपको सुनने को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज है शुक्रवार और ये ब्लॉग आएगा संडे को बनेगा ये ब्लॉग। तो अभी 3-4 दिन यहीं पे हैं अपने गद्दी भाई और ये भाई सुनाएंगे हमें उस दिन बांसुरी। और भाई को गोल्ड मेडल मिला हुआ भाई बांसुरी में। वही अभी रात के मतलब 9 बजे का टाइम हो रहा है, थोड़े लेट हो गए और अभी जा रहे हैं घर वाली साइड पे। ओवर ब्राइटनेस हो रही है क्योंकि अगर लाइट कम करते हैं तो ऐसे टॉर्च से देखना कम मतलब देखने में दिक्कत आती है। तो कुछ इस तरह का ही व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरफ अभी घोड़े हैं, ये वाइट स्पॉट आपको दिख रहा है ना, तो इनके घोड़े हैं इस तरफ बांधे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो हर ब्लॉग में बता रहा हूँ भाई कि ये जो गद्दी वाले ब्लॉग है ना भाई ये मतलब जस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे 2-4-5 ब्लॉग डेली। जो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा वो सिर्फ आपको डेली लाइफस्टाइल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब आपको डेली लाइफस्टाइल देखना हो, गद्दी वाले ब्लॉग के लिए ना करें भाई। बाकी आपको डेली लाइफस्टाइल में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा मतलब देखने को मिलता है भाई। नए नए कल्चर नए नए रीति रिवाज आपको देखने को मिलेंगे अपने इस YouTube चैनल और Facebook पेज के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें।